अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं दिखाऊंगी आपको बेबी बॉय कुर्ता डिज़ाइन। ये ब्लू कलर का कुर्ता है और इसके ऊपर मैंने डार्क ब्लू कलर और वाइट कलर के ऊपर सिलाइयाँ लगाई हैं रेशमी धागे से। इसका गले पे मैंने पट्टी लगा के तुरपाई की है और नीचे मैंने जो है वी शेप में इसकी ये पाइपिंग लगाई है। चेक वाली ये पाइपिंग है। मैचिंग में इसके बटन लगाए हैं। बहुत ही प्यारा सिंपल सा ये कुर्ता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। बाजू पे भी मैंने पाइपिंग लगाई है। बाकी सिंपल कुर्ता है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, इससे हौसला अफजाई होती है। ये कुर्ता वाइट कलर का है। इसके ऊपर मैंने ब्लैक कलर की सिलाई लगाई है रेशमी धागे से। फिर तकरीबन आधा इंच के गैप से दूसरी साइड से भी ब्लैक कलर की सिलाई लगाई है, वो भी रेशमी धागे से लगाई है। और दरमियान में जो सिलाइयाँ नज़र आ रही है ये मैंने सुई से लगाई हैं। और ये एंकर धागा है रेड कलर का। ये भी बहुत आसान सा डिज़ाइन है। इसके सेम बटन लगाए हैं और गले पे मैंने मगजी लगाई है। मगजी लगा के तुरपाई किया हुआ है। बाजू इसके सिंपल हैं बिल्कुल। इसमें चेपी डाल के मैंने मोटी सिलाई लगाई है। इसकी साइड पे इसकी मैंने पॉकेट लगाई है क्योंकि ये बड़े बच्चे का कुर्ता था। नेक्स्ट वाला जो हमारा कुर्ता है वो भी ब्लू कलर का है और इसके ऊपर ये मैंने शोल्डर पे सिलाइयाँ लगाई हैं एंकर धागे की। ये लाइट ब्लू कलर की सिलाइयाँ लगाई हैं। इसका मैंने कट वाला बैन बनाया है और तीरा भी लगाया है। इसका दो कलर के इसके बटन हैं। इसकी मैंने साइड की पॉकेट बनाई है। इसके भी बाजू पे मैंने चेपी लगा के चौड़ी सिलाई लगाई है। ये स्किन कलर का कुर्ता है। इसके ऊपर मैंने ये क्रॉस शेप में मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं। ये सेम कलर के धागे की हैं। इसके बटन मैचिंग में लगाए हैं। ये भी कट वाला बैन बनाया है और इसका भी मैंने तीरा बनाया है। ये जो डिज़ाइन है इसको मैंने पहले स्केल की मदद से लाइन लगा ली थी और फिर रेशमी धागा फिरकी में डाल के सिलाइयाँ लगाई हैं मशीन से। नीचे से ये इस तरह के बिल्कुल सिंपल कुर्ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।